इन तारों की तरह हम सब में आग कई चिराग बनकर दुनिया को रोशन करती है या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जला कर राख कर देती है। सदियों से ऐसा ही हो, अपने ही अपनों को मारते हैं, बस हथियार बदल जाते हैं। बॉलीवुड वाले ऐसी बाबुलेवल की मूवी बना रहे हैं जिसको सुनकर आप बैंक रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, ये मूवी बाहुबली, KGF, RRR इन सभी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है, जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा है। अब फाइनली उसकी अनाउंसमेंट हो गई है और जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है तब से सभी प्रोड्यूसर डर के मारे अपनी मूवी की रिलीज डेट आगे बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों वो मूवी कोई और नहीं बल्कि अपने संजू बाबा और सनी देओल की मच अवेटेड मूवी बाप है। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड वाले पहले बहुत ज्यादा मल्टी स्टारर मूवी बनाते थे, लेकिन काफी लंबे समय से मल्टी स्टारर मूवी नहीं बनाई है क्योंकि मल्टी स्टारर मूवी का बजट काफी ज्यादा हाई होता है और प्रोड्यूसर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से डरते हैं। लेकिन पिछले साल एक मल्टी स्टारर मूवी की अनाउंसमेंट की गई थी जिसमें हमें 80 और 90 के सारे एक्शन हीरो एक साथ देखने के लिए मिलने वाले थे। उस मूवी का नाम था बाप, जिसमें सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ ये चारों एक्टर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस मूवी में जो उनका नाम है वो इनके लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी में जो नाम था वही है। जैसे कि इस मूवी में संजय दत्त का नाम था बल्लू, जो कि उनके खलनायक मूवी में नाम है, और इसमें सनी देओल का नाम है अर्जुन, जो कि उनकी बेस्ट एक्शन मूवी अर्जुन पंडित मूवी में नाम था। जैकी श्रॉफ का नाम जैकिसन होगा, जो कि उनकी लाइफ की सबसे बड़ी हिट मूवी में नाम था, और मिथुन चक्रवर्ती का नाम इसमें एड़ा भगत होगा। दोस्तों आप इससे तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मूवी में कितना तगड़ा एक्शन होने वाला है। ये सारे स्टार अपने जमाने में टॉप एक्शन हीरो थे और कुछ तो आज भी बहुत सी मूवी में एक्शन करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि सनी देओल की लास्ट मूवी गदर 2, संजय दत्त की लियो जो अक्टूबर में रिलीज की गई थी जिसमें इन्होंने विलन के रोल में मूवी में जान डाल दी थी। वही बात करें मूवी के डायरेक्टर की तो बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टरों में से विवेक चौहान के डायरेक्शन में बनाया जाएगा। तो वही इस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं अहमद खान। तो वही मूवी के सेट से इन कलाकारों की फोटो वायरल हो रही है। दोस्तों ये मूवी 2023 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसके पोस्ट प्रोडक्शन वर्क यानी कि इस मूवी की एडिटिंग थोड़ी बाकी रह गई है जो ये क्लियर हो जाएगी। तो ये तो क्लियर है कि ये मूवी इसी साल यानी कि 2024 में थिएटर में रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों आप सब इन चारों कलाकारों को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।